नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं टीएसएफ न्यूज और मैं हूं आप लोगों का प्यारा दोस्त टिंकू। आज 15 अगस्त जो कि झांसी की रानी का जुलूस निकाला गया, बहुत ही बेहतरीन कार्य यहां पे देखने को मिला हरदिया मोड़ पे, जैसे कि सुपर कंपेटिटिव पब्लिक स्कूल जो कि हरदिया में है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने कार्य करके दिखाया। उनका कितनी भी प्रशंसा किया जाए तो कम है। हमारे साथ है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर जी, ये हमारा सुपर कम्पटेटिव पब्लिक स्कूल जो है एक बहुत ही संघर्षशील और सबके द्वारा सभी बच्चों को मार्गदर्शन किया जाता है और मैं सभी शिक्षकों से ये आग्रह करूंगा कि मेरे जितने भी सुपर कम्पटेटिव पब्लिक के बच्चे हैं वो आगे की तरफ निकले, अपने मुकाम को हासिल करें। यही ये कितने दिन से आप ये चला रहे हैं? ये जो है हमारा लगभग 2 साल से चल रहा है। सर जी, आपने इसके पहले भी ऐसा कार्य 2 साल हो गया, तो इसके पहले भी पिछले साल भी किया था? जी सर, विगत वर्ष जो है मैंने एक बच्चों के साथ जो है नृत्य जो है मैंने कराया था अपने विद्यालय में, जो बहुत ही सराहनीय था, गांव के लोगों से भी बहुत सराहनीय लगा। और मैं इस साल की भांति जो है 50वें वर्षगांठ के वर्ष में हमारे बच्चों ने जो खाके प्रदर्शन किए वो वाकई में मुझे बहुत ही सराहनीय है। ये बच्चे लोग जो मेकअप किए हुए हैं अभी आपने करवाया कि मतलब? मेरे बच्चे जो हैं खुद अपने आप करते हैं, मैं सिर्फ जो है इन बच्चों को मार्गदर्शक हूँ, मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ और बच्चे अपने से सब कुछ करते हैं। अपने से किए हैं सर? बिल्कुल सर। हमारे साथ है सोनू सर, क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त के बारे में आप? पहले तो मैं सोनू को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा 15 अगस्त। सुपर कॉम्पिटेटिव पब्लिक स्कूल वाकई में एक इतिहास बन आज का दिन इस सब भी, मतलब 15 अगस्त ऐसा एक त्यौहार का है भारत ही नहीं आजकल तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय सभी जगह पे हैं और हमारे सर का जितना बड़ा योगदान कहा जाए, छोटे से गांव में उन्होंने कम्पिटेटिव क्लास खोलकर जहाँ जो जवाहर नवोदय सिमतुला और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम का क्वालिफाई करा रहे हैं, मैं इनको तो सहायता दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो बनी थी जो सावित्री बाई फूले जिस समय प्रथम शिक्षक बनी थी, तो उस समय जितनी भी नारियाँ थी असाक्षर थी उनको साक्षर बनाने के लिए सावित्री बाई फूले ने घर घर जाकर सबको साक्षर बनाने का प्रयास किया, वही एक असाक्षर नारी के रूप में इसका योगदान है। क्या नाम है? और ये तो इनकी परिचय का कोई ये है हमारी वर्ग 5 क्लास की छात्रा है जो बहुत ही अच्छी लड़की है, होनहार है, समझदार भी है और ये जो है झांसी की रानी का मुझे इसमें अच्छा लगा और ये खुद पे खुद अपने से ये अपना सब कुछ तैयारी की है। नेक्स्ट कहाँ था इनका बताइए सर? ये है यशोदा मैया जो कृष्ण की जो माँ है उसका रोल ये झांकी के रूप में प्रस्तुत की है। इसका नाम जो है अनु कुमारी है, वर्ग 5 क्लास की छात्रा है ये। नेक्स्ट ये जो है खुशी कुमारी वर्ग 5 की छात्रा है, ये जो है भारत माँ की जो है झांकी को और नेक्स्ट जो है स्नेहा कुमारी जो वर्ग 5 की ये भी छात्रा है जो इंदिरा गांधी का रोल अदा की है और नेक्स्ट है महिमा कुमारी जो कि ये 5 नंदिनी कुमारी जो कि 5वीं क्लास की छात्रा है और यह सावित्री बाई फूले का रोल अदा की है। यही जो ये है महिमा कुमारी जो असाक्षर नारी है जो सावित्री बाई फूले के द्वारा उनको साक्षर बनाने का कार्य किया उसका रोल अदा किया है। ये एक भारतीय नारी है कि अगर भारतीय नारी अपना रूप में जब जिस रूप में आती है वो वही उसका रूप बनाया गया है। थैंक यू सर। आप लोग देख रहे हैं टीएसएफ न्यूज़।